अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको अपने प्लांट्स गार्डन चैनल पर। कल जो है बहुत तेज़ बारिश हुई थी यहाँ पर, तो पौधे आज जो है वो खुश हो गए हैं। ये देखें कितने लश ग्रीन जो है पत्ते अब इनके दिख रहे हैं। काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी कल शाम के टाइम, हुई थी काफ़ी तेज़ हुई और फिर थोड़ी देर बाद जो है वो बंद हो गई। तो मिट्टी आप देख सकते हैं कितनी जो है वो ऊपर नीचे हो गई है। ये देखें बूंदें गिरने की वजह से मिट्टी जो है वो ऊपर नीचे की तरफ हो गई है। ये देखें तो पौधे आज काफ़ी खुश दिख रहे हैं, क्योंकि बारिश का पानी जो पौधों के लिए बहुत हेल्दी होता है। और इसकी जो हमने कटिंग्स लगाई थी मॉसरोस की, वो ग्रोथ भी करना स्टार्ट हो गई अपनी। ये देखें पत्ते इनके खुल गए हैं सबके, ये देखें। और जो वहाँ पर रखा हुआ था मैंने, दो गमले जो वहाँ पर रखे हुए थे मैंने, उनको उठाकर मैंने जो है वो धूप में रख दिया है यहाँ पर। अब इनकी भी जो है ग्रोथ आगे बढ़ रही है। टमाटर के पौधे भी अच्छे चल रहे हैं, दो टमाटर के मैंने पौधे लगाए थे गमले के अंदर, उनकी ग्रोथ भी अब अच्छी चल रही है और वो वाली की भी अच्छी चल रही है। ये देख सकते हैं आप, ऊपर से नए नए पत्ते निकल रहे हैं, कोई कीड़ों का हमला नहीं है ऊपर नए पत्तों पे। नीचे वालों पर है, लेकिन मैंने जब स्प्रे किया था उसके बाद तो फ़िलहाल अभी कोई हमला मेरे को नहीं दिख रहा है। तो अगर कोई ऐसा ख़तरा दिखेगा तो मैं फ़ौरन से जो है वो स्प्रे कर दूँगा, फिर से मैं पहले ही कर दूँगा, उस वक्त नहीं बल्कि पहले ही कर दूँगा, ताकि कीड़ों के हमले से जो है वो पौधे बच जाएँ मेरे। और ये भी काफ़ी अच्छी चल रही है, इनकी ग्रोथ बड़े होते जा रहे हैं, कलियाँ लग रही हैं अभी, ये देखें इनको। और आस्ते आस्ते जो है वो खिलती जाएंगी। ये बासिल की जो कलमें लगाई थी मैंने, वो देखें आप, पहले वीडियो भी बनाई थी मैंने कि किस तरह अपने कलमें लगानी है उसकी। ओपन वेदर में लगाई थी मैंने, खुले खुले में ही लगाई थी, ओपन में ही। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ इनकी हो रही है। ये देखें साइड ब्रांच से कितनी ज़्यादा जो है वो इनकी निकल गई हैं। अभी मैं चाहूँ तो अभी भी कलमें इनके लगा सकता हूँ। ये देखें इनके जितने फूल निकले थे वो मैंने काट दिए, क्योंकि हमें फूल नहीं चाहिए, हमें अभी पौधे की जो है वो ग्रोथ को अच्छा करना है। अगर फूल अगर आ जाएंगे इसके अंदर तो ये पौधा जो है वो अपनी लाइफ कम कर देता है, फिर ये जल्दी मरने लग जाता है, मुरझाने लग जाता है। तो जब भी आपका पौधा फूलों पर आने लगे इस तरह से, तो आप उसको जो है वो कट कर दें। हाँ, अगर आपको बीज बनाने हैं उसमें से तो ये फिर आप उसको बनने दें भले, अगर आपको उसमें से बीज बनाने हैं तो। लेकिन उसके लिए एक पौधा अलग ही आप रखें, जिसमें से बीज चाहिए हो वो पौधा आप हमेशा अलग ही रखें, कि आपको जिसमें से बीज बनाने हो। जिस जिस पौधे मेरे लगे हुए थे फूल, वो सब मैंने उनको वो काट दिया, उतार दिया है वो मैंने। होली प्लांट की भी देखें कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है, फ्लावरिंग देखें कितनी ज़बरदस्त कर रहा है ये। देखें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, इसको वक्त के साथ साथ फूल खिलते रहते हैं और वो मुरझा जाते हैं बाद में, फिर और फिर इस तरह से जो है वो बाद में जो है उसके अंदर इस तरह से सीड पॉट बन जाता है। काफ़ी सारे जो है वो इसको सीड्स लगे हुए हैं, अभी जब वो सूखने लगेंगे तो मैं उनको जो है वो निकाल लूँगा। ये देखो ऊपर वाली ब्रांच में कितने सारे लगे हुए हैं, और नीचे भी जो है वो लगे हुए हैं। वक्त के साथ साथ जो है वो इसको कलियाँ लगती रहती हैं, फूल खिलते रहते हैं और सीड पॉट जो है वो बनते रहते हैं। और अनार की ग्रोथ देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त हो गई है मेरे अनार की ग्रोथ। मैंने इसको कटिंग से लगाया था, मेरे पास एक पुराना अनार का पौधा था, मैंने उसको पहले बीज से उगाया, फिर उसकी मैंने कटिंग लगाई, वो जब बड़ा हुआ तो उसकी मैंने ये कटिंग लगाई तो वो मेरी कटिंग जो है वो सक्सेसफुल हो गई और उसमें से फिर एक पौधा जो है मेरा बन गया। और अब देख सकते हैं कितनी खुशी इसकी जो है वो ग्रोथ हो गई है। तो आने वाले टाइम में मैं इसकी और भी जो है वो कलमें लगाऊंगा, कटिंग्स लगाऊंगा। लीमू की पौधे की भी मैंने ऐसे ही लगाया था, बहुत सारी कलमें इसकी लगाई थी, काफ़ी सारी जो है वो जल गई थी, काफ़ी सारी उग गई थी। तो अब काफ़ी अच्छी जो है वो उसकी ग्रोथ हो गई। नीचे से ट्रंक देखें आप, इसका काफ़ी जो है वो मोटा भी होता जा रहा है, ये देखें। और ऊपर से जो है वो ग्रोथ भी होना स्टार्ट हो गई है इसकी दोबारा, ये भी काफ़ी बड़ा हो गया, इसको भी मैंने कलम से ही लगाया। तो अब ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो गई है। पानी अभी मैंने नहीं दिया पौधों को, किसी भी पौधे को मैं पानी नहीं दिया, क्योंकि कल ही बारिश हुई है तो अभी फ़िलहाल पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तो बारिश का तो एक हफ़्ते का बताया कि डेली होगी है एक हफ्ते तक, तो अब देखते हैं कि अगर शाम में बारिश हुई तो उसको भी पानी देने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर बारिश ना हुई शाम में तो मेरे को शाम में आके पानी देना पड़ेगा पौधों को। और ये देखें अब टमाटर कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है, कितने बड़े बड़े टमाटर हो गए हैं, दो ही लगे हुए हैं मेरे पास अभी फ़िलहाल, क्योंकि पौधा जो है वो बहुत छोटा है अभी, छोटे से गमले में लगा हुआ, बड़े गमले में मैंने इसको नहीं लगाया, तो फ़िलहाल अभी छोटे गमले के अंदर ही लगा हुआ है। तो इसकी ग्रोथ भी जो है वो छोटी रह गई, छोटी हाइट की ग्रोथ रह गई, और टमाटर भी जो है वो छोटे ही लगे इसके अंदर। इसके अंदर अब तक जो टमाटर लगे हैं वो सिर्फ 3 टमाटर ही लगे हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगे। और जो मैंने किन्नू के जो बीज लगाए थे मैंने, उनकी ग्रोथ भी अब अच्छी होती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। ये देखें नए नए पत्ते निकलते जा रहे हैं, एक तो ये मुरझा गया थोड़ा सा, और ये देखें
खैर एक दो मुरझाते भी हैं तो कोई मसला नहीं है, हमारे पास बहुत सारे पौधे बने हुए हैं, ये देखें काफ़ी सारे पौधे हैं ये। और इंडियन ब्लैंकेट की आप ग्रोथ देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त चल रही है, कितने अच्छे अच्छे जो है वो इसको फूल लग रहे हैं, ये देखें वक्त के साथ साथ फूल लगते रहते हैं, खिलते रहते हैं, ये देखें छोटे से गमलों के अंदर लगे हुए हैं ये छोटे छोटे पौधे, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में। ये देखें छोटे से गमले में छोटा सा एक पौधा और ऊपर एक छोटा सा जो है फूल लगा हुआ, काफ़ी देखने में दिलकश लगता है, काफ़ी खूबसूरत भी लगता है। और इस पौधे का नाम अभी फ़िलहाल तो मुझे नहीं मालूम है, ये काफ़ी हार्डी प्लांट है, जल्दी मरता नहीं है, सीजनल नहीं है, ये परमानेंट पौधा है। इसका ट्रंक आप देख सकते हैं नीचे से कितना हार्ड हो गया, ये देखें लकड़ी बन जाता है ये पौधा, नीचे का जो ट्रंक है इसका वो हार्ड हो जाता है बहुत। तो ऊपर से पत्ते देखिए आप कितने ज़बरदस्त पत्ते आ रहे हैं इसके, ये देखें कितने लश ग्रीन पत्ते हैं इसके, इसके अंदर येलो कलर के फूल भी आते हैं लेकिन उनमें से खुशबू नहीं आती, फूल अच्छे आते हैं इसके, एक लंबे से स्टिक निकलते हैं उसके साइडों में, बहुत सारे जो है वो पीले पीले से फूल लगते हैं, काफ़ी देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ये। और ये है मेरे पास बासिल, एक ये है और एक ये है नियाज़बू जिसको कहते हैं, मरवा भी कहते हैं इसको, ये देखें। और पत्ता जड़ की जो मैंने कटिंग्स लगाई थी बहुत सारी पहले जब मैं इसको पौधे को लेकर आया था बड़े वाले को, उसके अंदर बहुत सारी जो है वो कटिंग्स लगी हुई थी, तो उसकी कटिंग्स मैंने उतार के एक गमले के अंदर लगाई थी। तो अभी देखें इसकी अब ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है, अब आकर छोटे छोटे जो पौधे थे वो बड़े भी होना शुरू हो गए हैं। इसकी ग्रोथ वो बहुत स्लो होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती, स्लो स्लो ये ग्रोथ करता है, जैसे एलोवेरा करता है ना उस तरह से ये जो है वो ग्रोथ करता है। ये सर्कुलेंट फैमिली से है, इसके पत्ते आप देख सकते हैं मोटे मोटे से होते हैं, इसके अंदर रस बहुत ज़्यादा होता है, मोटे मोटे पत्ते होते हैं इसके, सर्कुलेंट फैमिली से है ये पत्थर चट। और गवारपाटा भी जो है वो सर्कुलेंट फैमिली से ही होता है। सर्कुलेंट पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, अगर आप उनको ज़्यादा पानी देंगे ना तो वो फिर गलना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी पत्तों के अंदर टहनी के अंदर उनके पानी होता है, तो उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैंने इसको पानी नहीं दिया था तो कल बारिश हुई थी तो उसको खुद ही जो है वो पानी मिल चुका है। तो अभी देख सकते हैं मैंने जितनी भी कलमें उतारी थी दोबारा से जो है वो इनके अंदर आना स्टार्ट हो गई हैं, ये देखें इतनी सारी सारी कलमें लग गई हैं इसको दोबारा से, वहाँ पर भी लग गई हैं। तो देखता हूँ मैं दोबारा से इसको कटिंग लगाऊँगा अब इसकी। और चंपा को जो मैंने ट्रांसप्लांट किया था नए छोटे गमले से निकाल के बड़े गमले में जो लगाया था वो, तो उसकी ग्रोथ भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हो गई है, देखें ऊपर से पत्ते नए नए निकलना स्टार्ट हो गए हैं और इसको फूल जो है वो बहुत जल्दी लग जाएंगे, छोटी उम्र में इसको फूल लग जाएंगे। इसको नाग चंपा कहते हैं और नर्सरी वाले चाइनीज़ चंपा कहते हैं। और जो पुदीने की कटिंग से मैंने लगाई थी वो बस चल रही हैं, काफ़ी सारी तो हमारी मुरझा गई जल गई, ये देख सकते हैं आप कुछ ब्रांच हैं जो वो ग्रोथ कर रही हैं अभी, ये देखें जैसे कि ये है और एक ये वाली है, बस बाकाया तो अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहे हैं मेरे को मुझे, लेकिन अगर इनकी रूट्स नीचे बन गई होंगी तो नीचे रूट लेवल से जो उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है अगर मैं न्यू अपशूट लगाता पौधने की, न्यू अपशूट जो होती हैं तो अगर वो लगाता मैं तो रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छा मिल पाता, उसमें जो है वो जल्दी रहते हैं चांसेस उगने के। जो भी आपके पास 100 फुट प्लांट हो जिसकी जिसकी ब्रांच जो है वो लकड़ी नहीं बन जाती, सॉफ्ट ही रहती है बड़े होने के बाद भी सॉफ्ट रहती है, जैसे कि ये चंपा है, तो उसकी हमेशा आप न्यू अपशूट लगाएंगे तो ही आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल पाएगा। अगर उसकी आप कलम लगाएंगे जैसे कि मैंने कलम लगाई तो उसमें ये होता है कि 50% चांस होता है उगने का, 50% जो है वो नहीं होता है, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ अभी, अगर मैं न्यू अपशूट लगाता तो मुझे जो है वो फ़ायदा मिल पाता। और जो गुलाब मैंने लगाए थे गमलों के अंदर उनकी भी अब देखें ट्रांसप्लांट किए थे, उनकी भी ग्रोथ अब आके स्टार्ट हो गई है, ये देखो ऊपर से न्यू शूट जो है वो निकल रही है, ये नई ये देख सकते हैं आप यहाँ से भी निकल रही है छोटी सी, ये बड़ी हो गई है ये भाई। तो ये रेड वाला है मेरे पास, रेड जिसके अंदर फूल आते हैं, और ये है पिंक वाला जिसके अंदर पिंक आते हैं फूल, इसकी ग्रोथ काफ़ी बिगड़ी बिगड़ी सी लग रही है, पत्ते इसके जल रहे हैं ये देखें, तो इसको अभी मैंने इसके हाल पे छोड़ दिया फ़िलहाल, ऊपर से जो है वो इसकी शूट भी निकल रही हैं ये देखें, छोटी छोटी शूट जो है वो इसकी निकल रही हैं जगह जगह से, तो उसको मैंने इसके हाल पर अभी छोड़ दिया है फ़िलहाल, इसको मैं नहीं छेड़ रहा। और जो मेरा एक्सोरा प्लांट था उसकी ग्रोथ भी ये देखें, ये दो पत्ते इसके अभी नए निकले हैं, इसकी ग्रोथ भी स्टेबल हो चुकी है अब आकर, इसके दो पत्ते जो है वो नए निकले हैं ये वाले, और उस वाले की अभी रुकी हुई है फ़िलहाल, अभी तक तो कोई इसका पत्ता नहीं निकला,
तो इसकी ग्रोथ अभी स्टार्ट हो गई है, तो इसको अब हम चाहें तो धूप में रख सकते हैं। ये अभी शेडी एरिया में रखा हुआ है मैंने इसको, यहाँ पर धूप नहीं आती है, तो अगर हम चाहें तो इसको अभी धूप में रख सकते हैं, क्योंकि इसकी अभी ऊपर से ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो अभी जगह करके मैं कहीं ना कहीं इसको जो है वो शिफ्ट कर दूंगा इधर ही कहीं। पौधों की काफ़ी सेटिंग भी करनी है, काफ़ी बिगड़े बिगड़े से हो रहे हैं मेरे पौधे, आप देख सकते हैं। और आने वाले टाइम में मैं और भी पौधे लगाने वाला हूँ, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता जाऊँगा पौधे, इंशाल्लाह अच्छे अच्छे पौधे लगाऊंगा, ताकि अच्छे अच्छे पौधों की आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल से मिल सके। और मैं यहाँ पर भी जो है वो अंगूर की बेल लगाने वाला हूँ अपने गार्डन के अंदर, तो देखता हूँ जब टाइम मिलेगा जब लेकर आऊँगा। और एक ज़ोरा ये रहा मेरे पास, जिसकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है, काफ़ी जल जाता है ये, अक्सर इसकी कलम जो लगाने के बाद जो है वो जल जाती है। नर्सरी वाले कहते हैं कि ये उगता नहीं है, काफ़ी टाइम ले जाता है उगने में। तो ये वाला जो है ये है येलो वाला, लेकिन इसकी ग्रोथ भी आप देख सकते हैं, अब जब से मैंने इसके ऊपर से फूल काटे थे तो अब ये देखें, अब इसकी जो है वो शूट निकल रही है, ये देखें शूट निकलना जो है वो स्टार्ट हो गई है इसकी। तो देखते हैं क्या मेरे पास ये ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा। मैंने इसको धूप में नहीं रखा हुआ है, इसको शेडी एरिया में रखा हुआ है, और इसको शेडी एरिया में ही रखूँगा मैं, क्योंकि नर्सरी वालों ने यही कहा था कि अभी फ़िलहाल इसको शेडी एरिया में ही रखना है, अपने धूप में नहीं रखना। तो मैं इसको धूप में अभी फ़िलहाल नहीं रखूँगा जब तक इसकी ग्रोथ अच्छी खासी स्टेबल नहीं हो जाती है। और वैसे भी ये फुल धूप में नहीं चलता, ये मर जाएगा फुल धूप में भी। इसको आप लो लाइट देंगे, एक दो घंटे की धूप देंगे तो ही ये जो है वो सही ग्रोथ करेगा। और इंडियन ब्लैंकेट की कुछ कलमें भी मैंने लगाई दी काफ़ी टाइम पहले, अब ये देखें इसकी भी ग्रोथ जो है वो स्टेबल हो चुकी है, ग्रोथ हो रही है इनकी भी। छोटी छोटी कलमें लगाई थी मैंने, न्यू ऑफ शूट लगाई थी, इनकी ग्रोथ हो गई है, ये देखें कटिंग जो है वो कामयाब हो गई है मेरी। और मैंने इस गमले के अंदर लगाए थे कलौंजी के बीज, तो अभी तक तो कोई बीज नहीं उगा है, कोई देखने में रिजल्ट में नहीं दिख रहा है। तो अब तक के लिए बस यही अपडेट है, तो बस यही आज का मेरा टॉपिक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं इसे अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। फिर मिलूंगा किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।